अभी 2 अगस्त से हमारी 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ होगी, और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि 5वीं और 8वीं के बच्चे भी अपना डाउट क्लियरिंग के लिए स्कूलों में आ सकते हैं, उसके लिए भी हमने आदेश जारी किए हैं। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स, मोती बाजार मंडी, सोने सी चमकाए अपनी खूबसूरती। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसके लिए स्कूलों के लिए SOP बना ली गई है। सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर स्कूल के मुख्य द्वार पर हाथ धोने की व्यवस्था रहेगी, सैनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 94% शिक्षकों का टीकाकरण भी हो चुका है। दूसरी तरफ 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को 2 अगस्त से स्कूलों में परामर्श लेने के लिए आने की अनुमति होगी। यह फैसला सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा। प्रदेश के किसी भी प्रशिक्षण संस्थान पर सिर्फ उसी व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा जो कोविड का टीका लगवा चुका होगा। अभी 2 अगस्त से हमारी 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाएं प्रारंभ होगी, और उसमें स्कूल के बच्चों को बुलाने का काम हमने शुरू करना है, और उसके लिए शिक्षा विभाग ने SOP तैयार किया है और जिसके आधार पर बच्चे स्कूलों में आएंगे। और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि 5वीं और 8वीं के बच्चे भी अपना डाउट क्लियरिंग के लिए स्कूलों में आ सकते हैं, उसके लिए भी हमने आदेश जारी किए हैं। और अभी हमने ये कहा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम कोविड कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गठन हमने किया है, जो प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। और उसके साथ साथ ये है कि स्कूल और क्लासरूम को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा, जो स्कूलों के टॉयलेट्स हैं उनको दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा, और जहाँ जहाँ पर जिस भी कैंपस में यदि संभव हो तो वहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि मौसम यदि ठीक रहता तो आउटडोर क्लासेस भी लगें। और उसके साथ साथ ये कि स्कूल स्तर पर ही प्रभावशाली बचाव कार्य के लिए हर एक स्कूल को ये कहा है कि वो अपना माइक्रो प्लान भी तैयार करें, और उसी में जो अवेयरनेस का काम है वो नियमित रूप से चलता जाएगा। और हमने कहा है कि थर्मल स्कैनिंग करना, मास्क को पहने रखना, 2 गज की दूरी रखना, ये व्यवस्था लगातार रहेगी। और फिर हर स्कूल के गेट पर आने और जाने के समय हाथ धोने के लिए और सैनिटाइजेशन का व्यवस्था हमने करने के आदेश दिए हैं। और स्कूल खुलने का, उसके छुट्टी होने का समय और रिसेस का पीरियड, ये सबके सब हम कहीं ना कहीं अंतराल बीच में देंगे कि ताकि एक साथ रचना पड़े तो उसकी व्यवस्था करने के भी आदेश कहे हैं। और ये भी कहा है कि जो सर्दी जुकाम वाले जो बच्चे हैं या बुखार इत्यादि है, उन बच्चों को छुट्टी दी जाएगी, वो बच्चे स्कूल ना आए, ऐसी उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। और हमने ये भी कहा है कि अब साथ में जो मिड डे मील जो वर्कर हैं उन सबको भी दोनों डोजे लगने पर ही हम स्कूल में आने देंगे, तब तक उनको अनुमति नहीं देंगे। और साथ में एक अभी शिक्षा विभाग में जो शिक्षक हैं हमारे, लगभग 94% अभी हमारे वैक्सीनेट हो गए हैं, और जो बाकी है उनको आगामी दिनों में हम करने वाले हैं। तो इसके अतिरिक्त यह है कि अब हमने ये भी कहा है कि जो पार्ट टाइम वर्कर हैं उन सबको भी हम ये वैक्सीनेशन के लिए उनका भी तेजी से कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सारी व्यवस्था की है। तो अब आने वाले 2 अगस्त के बाद सुचारू रूप से इन चीजों को हम प्रारंभ करेंगे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।